नहीं, मोदी जी ने जो है वाट लगा दी। प्रोड्यूसर भी बहुत परेशान, डायरेक्टर एक्टर सब परेशान। तुम बिहारी हो? मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया था। मोदी जी ने मुझे टैक्स बहुत लिया, मेरे से GST भी लगाया खूब सारा। गाली नहीं देनी चाहिए, मुँह से तो गाली निकलती है। 17 साल की जब मेरी शादी हो गई थी और 20 साल की थी तो मेरा सब बच्चे हो चुके थे और 22 साल के करीब मैं विधवा भी हो चुकी। नमस्कार, मैं हूं निकी और आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं चैनल 9 न्यूज़ में। हर बार की तरह ही इस बार हम आपको नए कलाकार से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने ना ही सिर्फ अपनी एक्टिंग में बल्कि अपनी बोली और भाषा से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है टीवी में। तो आइए और मिलते हैं संगीता पनवार जी से। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका चैनल 9 न्यूज़ में। नमस्ते संगीता जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने एक्टिंग में कैसे शुरुआत की? तो मेरठ में मेरा घर है, वहाँ पे एक टीम आई कि भाई हमें फिल्म बनानी है और लोकेशन चाहिए, तो उधर अपना अच्छा बात है तो मैंने कहा ठीक है लोकेशन दिखा देती हूँ और फिल्म तुम बना लेना, पूरी लोकेशन दे देती हूँ। लोकेशन दे दी, पूरी टीम मेरे घर में रुकी, खाया पिया बढ़िया सा, सब सब अच्छे लोग रहे। मैं अपना अपने काम से ही रही। उसके बाद उनकी एक एक्टर नहीं आई जो कि वो परेशान हो गए, प्रोड्यूसर भी बहुत परेशान, डायरेक्टर एक्टर सब परेशान और पूरा दिन उनका खराब हो गया। तो एक रिश्तेदारी में बोल सकते हैं, त्यागी जी थे, वो बोले कि मामी बोलते थे वो मेरे को, मामी आप ना एक रोल कर लो। मैंने कहा नहीं 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 मैं इतने लोगों के बीच में मैं ये सब नहीं करूँगी, नहीं 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 बस इतना बहुत है कि मैंने आपको लोकेशन दिखा दी और आप खाओ पियो रहो, बस काफ़ी है इतना, आगे नहीं करूँगी मैं। मामी जी प्लीज़, सत्यानाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। तो मैंने कॉल किया अपने भाई को, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे, फिर बहन को भी किया, मेरी पंथ में बहन है, इंचार्ज है पंथ हॉस्पिटल में, JP पंथ में, उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे बोल रहे, कह ले क्या है, तो डॉक्टर का रोल है और मैं यूनिफॉर्म भिजवा देती हूँ फटाफट अपना कर दे। मेरी जो बड़ी बहन थी उसने यूनिफॉर्म दी, उसके बाद मैं वो लगा के आला वाला डाल के और अच्छे से जो एक्टिंग की है वहाँ पे, वो कैमरा भी मेरे ऊपर ही था, बस भगवान की मर्जी थी वो, और सब के सब ऐसे ऐसे हाथ जोड़ने लगे और बोलने लगे मैम आपके अंदर तो बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है, इसको बाहर निकालो, मैम आप जो कहोगे वो देंगे, ये वो, उन्होंने बहुत की। फिर मुझे थोड़ा सा लगा अच्छा ऐसा है तो मैं भी करके देखूँ फिर मैं एक उत्तर कुमार हरियाणवी फिल्में बनाता है, वहाँ का सुपरस्टार, तो उसको उसने कहा कि एक हैं बहुत अच्छी हैं और वो ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो मैंने उन लोगों को मना किया मगर नहीं नहीं और नहीं करूँगी, उनको नहीं नहीं आप करके तो देखो। तो जैसे ही मैं चलने लगी तो आगे बढ़ती गई, एक्टिंग निखरती गई, आगे मूवी फिल्में फिल्में 200 फिल्में हो गई, फिर तो रोज कॉल आने लगा। तो संगीता जी, जैसे जब आपने फर्स्ट मूवी आपने जो बताया वो की थी नर्स का जिसमें रोल किया था, उस समय आपकी शादी हो चुकी थी या फिर अब उस समय अनमैरिड थे? उस समय शादी हो चुकी थी मेरी और मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा। और वो मुझसे बोले कि मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा। मैं नहीं नहीं ऐसी बात मत करो, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि भगवान हमारे साथ ऐसा करेगा, लेकिन वो बोले कि उनको नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी मैं जाता हूँ दिल्ली और अपने आप को चेक कराता हूँ। वो चले गए दिल्ली, वहाँ जाके उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू जिस हाल में भी घर आ जा, मतलब हॉस्पिटल में आ जा, सॉरी। हॉस्पिटल में गई, देखा तो वो जोर से रोने लगे, आसपास वाले बोले कि अरे क्यों रो रहे हो इतनी, जब तो एज भी कम ही थी, तो उनकी इतनी अच्छी बीवी है आपकी और आप रो रहे हो, इनको भी रुला रहे हो। कह रहे मैं ये रो रहा हूँ कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ
और मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मगर नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वहाँ रहे कुछ दिन रहे, कुछ सामान डॉक्टरों की मैं की, देखो ये वो, लेकिन कोई गौर नहीं की उन लोगों ने। और वो जैसे ही वॉशरूम गए उनको अटैक आ गया। अटैक आते हुए नीचे गिर गए, मैं चीखने लगी चिल्लाने लगी, जैसे अंदर ले गए उठा के डॉक्टर भागे, बहन मेरी बोली कि रुको रुको तुम, मुझे थोड़ा दिलासा देने लगी। तो जब तक वो अंदर गए तो वो ऐसे करके और ये बोल रहे मुझे बचा ले, मैं जीना चाहता हूँ, और ऐसे हो गए। मैं सामने खड़ी थी, मैं रोने लगी, मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया और उनके मुंह में दो पाइप लगा दिए सांस लेने के लिए, तो पेट जो ऐसे ऐसे होता हुआ उन दिखाई दे। जैसे मैं शीशे से देखा, कह लगे देखो देखो जिंदा है, आप रो मत, ये मत करो वो मत करो। मुझे लगा हाँ, क्योंकि इतना ज्ञान तो था नहीं डॉक्टरी भाषा का, मुझे लगा हाँ जिंदा है। फिर मुझे थोड़ा तसल्ली हुई, फिर मेरे परिवार वाले सब लोग आए, बोले कि वहीं नज़दीक हॉस्पिटल में ले जाते हैं मेरठ में, और वहीं आप देखभाल करती रहेंगी, वहीं ये भर्ती रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी और मुझे नहीं बताया गया। हाँ, तो जैसे ही मुझे कहने लगे कपड़े चेंज कर लो, सूट सलवार पहन लो आप, मैं साड़ी पहने हुई थी, भाभी वगैरह सब इकट्ठे हो गए। तो मेरी बहन बोली कि उनको मैं बताऊंगी तुझे, अभी पक्का दिल कर ले, वो नहीं है जीजा जी, ख़त्म, इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं हाल बेहाल हो गई, और मेरे भाई लेके आए जैसे ही, तो मैं बेहोश हो गई। उस टाइम मेरे से अपना आपा नहीं संभला, एक महीना तक रोती रही। मम्मी भी कहे मत रो बेटा, भगवान की मर्जी है, सब बोलते रहे, बहुत रोई बहुत रोई। फिर मैंने खुद को ही समझाया, नहीं नहीं नहीं, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे तीन बच्चे थे, मेरे बच्चे हैं, अब ये बच्चों के मैं ही रो रो के पागल हो जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन एक वो दिल होता है पागल, वो नहीं मानता, उसको कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। वो एकदम बोला कि नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में अब तेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस होता है, एक समझ सकते हैं कि एक लड़की थी उस टाइम, तो समझो कि लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे थोड़ा वो होने लगी दिमाग में प्रॉब्लम, कि सोच रही तो सोचती रही, बैठी तो बैठी रही। मेरी सिस्टर मुझे उठा के ले गई, बोली चल मेरे पास, मैं तेरा इलाज करूँगी। तो मुझे लगा ये सब मुझे बिछाड़ रहे हैं, मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, मेरे नन्हे नन्हे से बच्चे, छोटे छोटे से। मगर नहीं, मुझे नहीं, फिर मुझे अपने आप ही हंसी आनी शुरू होगी, अब वो हंसी ना रुके दे। अब जैसे हंसी ना रुके, मेरा भाई को लगा कि ये तो पागल हो गई, मेरा भाई मुझसे डर गया, कह रहा तू क्यों हंस रही है इतनी, मगर मैं पागल नहीं हूँ। उनको हाँ मुझे पता है पागल नहीं है, लेकिन हंसी बंद नहीं हो रही, फिर भी हंसा जा रहा मेरे से। खैर घर आई, मेरे बच्चे मुझसे डरने लगे कि मम्मी को तो कुछ हो गया। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को ये कहा, नहीं तू माँ है, तू बाप है, तू सब कुछ है, आज तेरे बच्चों का इस दुनिया में सिर्फ तू या ऊपर भगवान, बस यही है। उस टाइम मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, ऑफिस में काम करूं या क्या करूं, बहुत कुछ सोचा। तो मैंने डेयरी, भैंस की डेयरी, नहीं उस वक्त तो आप मूवीज वगैरह भी कर चुकी थी और कर ही रही थी, तो आपने ये क्यों सोचा कि मैं इसी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर देती हूँ? नहीं, ये की नहीं थी मैंने, ये जो बाद की बात है, ये बाद की है। अच्छा, मैं वही बता रही हूँ कि जो मतलब ये टाइम आ गया, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। तो फिर ये लाइन में मैं यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इसके बाद से? हाँ, ये पहली स्टोरी थी और ये लास्ट की है कि मैं, मेरी एक एक्सीडेंट मजबूरी समझो हो गई, उससे ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैंने भैंस की डेयरी की, मतलब बहुत दूध
मेरे लाइन से दूध बिकता था, डेयरी थी, 10 भैंस थी और मैं खुद ही दूध निकालती थी। अच्छा। मेहनत करने में पीछे नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे घाटा आ गया। वो मैंने सारी गाड़ियों में भरी और भैंस भेज दी, ले जाओ भाई, क्योंकि फिर एक मैं जेंट्स के तरह बिल्कुल अपने आप को एक, हाँ, ये कि मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे सब कुछ करना है, मैं लड़के जैसा ही क्यों नहीं हूँ, वो भी तो करता है, मैं भी करूँगी। मैंने अपने अंदर इतनी ताकत बना के रखी। उसके बाद मैंने रुड़की में किया होटल। अच्छा। होटल में मैंने 300-300 रोटी बनाई, गाड़ियाँ रुकती थी टूर की, 300-300 रोटी बनाई। उसमें एक साझेदार था, गाली नहीं देनी चाहिए, मुझसे तो गाली निकलती है, वो उसको खा गया, चल भाई जाए, वो भी छोड़ के आ गई। अभी एक मूवी की थी मैंने, उसकी हरियाणवी मूवी, विजय वर्मा, वो भी सुपरस्टार है हमारे, जिसका ये गाना अक्सर आता है, आजा मैडम बैठ बिलोरो में, उसका गाना अक्सर आता रहता है। हाँ, तो उसकी मूवी की फिर मैंने, उसने बहुत अच्छी मूवी बनाई, वो कुर्बानी, तो बहुत अच्छी मूवी बनाई उसने वो, और उसमें मैंने काम किया। उसकी डबिंग मुझे करनी थी, तो डबिंग के लिए मैं दिल्ली जा रही थी। एक फिल्म थी, उसमें एक नौकर का कैरेक्टर किया था एक लड़की ने, उसने मुझे कॉल किया, मैम ऑडिशन हो रहे हैं दिल्ली में 12 खंबा रोड पे, और हो सके तो देख लो, आप कर लो। वही त्रिवेणी में हम ढूंढते रहे, वही चाउमीन खाया, अरे कहीं नहीं हो रहा कुछ भी, चलो छोड़ो, अपना चाउमीन खाओ, निकलो। उसकी डबिंग करके मैं आ रही थी उस फिल्म की। फिर वही देखा, 2-4 जा रहे हैं ड्रेस में पहन के अच्छे से, पक्का इधर कहीं ऑडिशन हो रहे हैं। मैं गई उसके अंदर, मगर चलो चलो, मेरा बेटा बोला कि हाँ मम्मी है तो इधर ही देखो। मैं गए उधर, तो उधर हमें किसी ने भाव ही नहीं दिया। मेरा बेटा बोला, मम्मी यहाँ तो कोई भाव भी नहीं दे रहा है और आपकी आवाज़ भी अजीब सी है, यहाँ तो एक से एक एक्टर हैं, इतने सारे एक्टर हैं, आपको कोई नहीं लेगा, चलो आप। मैंने कहा, बेटा एक बात तो याद रख, अनेक आवाज है, उसमें मेरी एक आवाज है। मुझे विश्वास है, मैं अपने ऊपर भरोसा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगी यहाँ से। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट थी, आज भी मुझे याद है, कान पक गए तुम्हारी भाभी के प्रवचन सुनते सुनते, ऐसा लगता है जैसे घर में सत्संग हो रहा है, कभी नमक कम, कभी मिर्च कम, कभी खट्टा कम, कभी मीठा कम, रोज का खाना अपने घर से बना के लाती है। कभी कभी तो मुझे शक होता है, ये घर हमारा ही नहीं है, होटल में रहने आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे। फिर हस्बैंड से पूछती हूँ, और तुम, मैं पूछती हूँ, हम किसी के कर्जवान हैं क्या हैं हम? हाँ, दो दो लड़की ऐसी हो गई और तुम्हें तो कोई काम है नहीं, भाभी जी ने ये किया, भाभी जी ने वो किया, भाभी जी ने ये किया, बस तुम्हारी भाभी जी, ये मेरा ऑडिशन था। तो हाँ, आज भी मुझे वो याद है। वहाँ आशीष बत्रा कलर्स चैनल में काम करते थे, वो आए हुए थे उसी टाइम। तो जैसे ही मैं ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और बोले, आप मुंबई आ सकते हैं। मैं कह लगी, मुंबई आ तो सकते हैं, पर हमारा वहाँ कोई नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप आ जाओ, शशि सुमित प्रोडक्शन। हाँ, उसके वो उसके लिए यहाँ आके उन्होंने ऑडिशन देखा, तो शशि जी बोली कि बहुत प्यारा ऑडिशन दिया तुमने। तो सुमित जी ने मुझे चेक दे दिया था काट के। अच्छा। हाँ, कि तुम ये लो और मेरा रोड में घर ले लो। हाँ, मतलब मैं आज सोचती हूँ कि सुमित जी ने मुझे चेक दे दिया काट के, ये बहुत बड़ी बात है। ये हुआ, फिर मैं वही बात आपको बता रही थी, इसके बाद होने के बाद भी, मतलब बीच में एक हादसा ऐसा हुआ कि 5 साल हस्बैंड के बाद
5 साल बाद मेरा बेटा मर गया। अच्छा, वो जब आप यहाँ मुंबई आ गए थे तब की बात है ये? नहीं, वो वहीं रहते रहते, मतलब उसी बीच में जैसे हस्बैंड की डेथ हुई और मैं फिल्मों की तरफ निकली, उसके बाद फिल्में ही करने, मैं बाहर ही थी, फिल्म कर रही थी, तभी मेरे बेटे को ब्रेन नस फट गई थी उनकी और उसकी डेथ हो गई। फिर गिरी, फिर बहुत रोई और रो रो के पागल हो गई। फिर अपने आप को उठाया, नहीं तू रोएगी वो वापस नहीं आएगा, ये दो बच्चे और हैं, एक बेटी एक बेटा, इनका क्या होगा। फिर इनको संभाला, फिर खड़ी हुई। अब तक आपने नेगेटिव किया है? पता नहीं, लोग ही बोलते हैं कि नेगेटिव ही करोगे, रियल लाइफ में आप बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। बिल्कुल, बहुत ही बहुत। मेरा बेटा मुझे खुद कहता है कि सास बन के दिखाओ, ये बहू तुम पे कपड़े धुआ लेती है, तुम पे काम करवा लेती है, तुम सास बनो। वहाँ कैमरे पे तो इतनी खतरनाक हो जाती हो, घर में क्या कर रही हो, मगर पागल हो गई घर है। कोई कोई फैंस बहुत ही क्रेजी होते हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ हुआ हो? हाँ, एक मैं दिल्ली गई, वो एयरपोर्ट पे गाड़ी लेके खड़े हो गए, वो लेने आए और उन लोगों ने मतलब 56 मिठाइयाँ मेरे सामने रखी हुई थी, 56 मिठाई, और मैं मुझे यूँ हो रहा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं यार, नहीं करना चाहिए। और खाने में तो मुझे याद ही नहीं क्या क्या खाना था, मतलब एक कृष्ण जी की तरह उन्होंने मेरा खाना लगा दिया और सारे ऐसे हो गए जैसे कि बस पहली बार हमने, मैं भगवान को देख के इतनी खुश होती हूँ जितने वे मुझे देख के खुश हुई है। और मैम, और कोई यूँ पकड़े, कोई यूँ पकड़े, कोई यूँ पकड़े, मतलब पकड़म पकड़ा पकड़म पकड़ा सी होने लगी, थोड़ा सा मुझे वो होने लगता है, हाँ वो ये लगता है हाय क्यों कर रही लोग इतना, नहीं करना चाहिए यार। तो वो बात हुई थी मेरे साथ। तो आप अपने फैंस को कुछ विश करना चाहेंगी अपने, मतलब चैनल 9 न्यूज़ की तरफ से? सबके लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और खुशियाँ आए और दुख चले जाएं, बस पूरी जनता को मेरा बहुत बहुत प्यार। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मुझे लोग बहुत मैसेज करते हैं फेसबुक पे, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं जवाब नहीं दे पाती, सॉरी। बाकी मैं प्यार सबसे करती हूँ, क्योंकि आप जनता सामने हो तो हम हैं, आप कुछ, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, चाहे सुपर स्टार कितना भी बड़ा हो, आपके बगैर ना तो प्रधानमंत्री बन सकता, ना कोई ही एक्टर मंजिले छू सकता। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम बात करते हैं, अभी इलेक्शन शुरू होने वाला है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगी, या फिर अगर क्या चाहती है, अगर किसी की भी सरकार है चाहे कोई भी हो, तो आप ऐसी कौन सी बात है जो चाहते हैं कि ये चीज़ हो उनकी गवर्नमेंट में, कौन सी ऐसी चीज़ चाहती है कि वो चीज़ होनी चाहिए? होनी चाहिए, देखो जी, मैं तो सीधी सीधी बोलूँगी कि मैं मोदी जी को वोट दूंगी, क्योंकि मोदी जी ने मुझे टैक्स बहुत लिया मेरे से, GST भी लगाया खूब सारा, खूब लिया और मैंने भरा, और मुझे दुख भी हुआ कि मैंने कमाया मेरा पैसा चला गया, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी को दूंगी। क्यों? मोदी जी ने इतने मतलब अच्छे काम करे हैं, घूमा है फिरा है, पब्लिक के साथ फैसले बोलना चालना, और विदेशों से आज लोग हमको क्या बोलते हैं, ये इंडियन है, आप इंडियन हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ आप इंडियन हो, वो जैसे कि कई जगह ऐसे होते हैं तुम बिहारी हो, अब वो कहे तुम बिहारी हो, कितना अंतर है। तो मोदी जी जहाँ तक भी है अच्छा काम करेंगे, हालांकि मेरा बेटा बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा। नहीं, मोदी जी ने जो है वाट लगा दी, मेरा सारा पैसा ले लिया, क्योंकि मेरा बेटे को जब पैसा देना पड़ता है ना, तो वो कहता है इतना GST लगा दिया, सब मार दिए, मर गए, आप कह रही मोदी जी को वोट दूंगी। मैं नहीं दूंगा, मगर बेटा देखो गेहूँ के साथ घुन तो पिसते हैं, वही बात आ रही। तो मैं कुल मिला के यही कहूँगी कि मोदी जी अच्छे हैं और अच्छा काम किया, और हो सकता है आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच संगीता जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।